हम धन्य लोग का अध्ययन कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा कि आचार्य आनंद वर्धन यह बताते हैं कि सर्वप्रथम क्या होता है, पदार्थ होता है, फिर पदार्थ से वाक्यार्थ लिया जाता है और फिर वाक्यार्थ के बाद में व्यंग्य अर्थ आता है, ये हमने देखा था क्रम। लेकिन और उसके बाद में ये भी कहते हैं यद्यपि क्या वो यह क्यों बता रहे हैं कि वाच्यार्थ का वाच्यार्थ होता है, प्रत्ययमान अर्थ भी होता है, वाच्यार्थ का प्रथम प्रतिपादन होता है फिर व्यंग्य अर्थ आता है, किंतु व्यंग्य अर्थ वाच्यार्थ पूर्वक ही होता है। और यह भी क्या बताते हैं, लेकिन जो सहृदय व्यक्ति होता है उसको वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में क्रम क्या नहीं होता, लक्षित नहीं होता, उसे शीघ्र ही झटके शीघ्र ही अर्थबोध हो जाता है, क्योंकि वह वाच्यार्थ से में ही संतुष्टि को प्राप्त नहीं करते, वो उसी में संतुष्ट नहीं हो जाते कि वाच्यार्थ में ही। तो सहृदय व्यक्तियों को सचेत स्वयं वाच्यार्थ के बाद में तुरंत ही व्यंग्यार्थ की बोध हो जाता है। तो यहाँ तक अभी तक हमने देखा कि आचार्य आनंद वर्धन वाच्यार्थ और प्रतीयमान अर्थ में पहले भेद बताते हैं दोनों में, कि दोनों में क्या भेद है। उसके उपरांत वह वाच्यार्थ और प्रतीयमान अर्थ में से प्रतीयमान अर्थ यानी व्यंग्य अर्थ उसी का प्राधान्य सिद्ध करते हैं। उसको बार प्राधान्य सिद्ध करने के बाद में वो है बताते हैं अब ये सारी जो चीजें हैं वो किस संदर्भ में आ रही थी, क्यों वो कह रहे हैं। तो अब देखो वो क्या कहते हैं, एवं वाच्य व्यतिरेकिनो व्यंग्यस्यार्थस्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकट उपयोज्यन आहा। क्या कह रहे हैं, एवं वाच्य व्यतिरेकिनो व्यंग्यस्य अर्थस्य, वाच्य से अतिरिक्त व्यंग्य अर्थ, व्यंग्य अर्थ कैसा होता है, वाच्य से भिन्न होता है, यह हम कई कार्यक्रम में पिछली कई क्लासेस में हम लोग समझ चुके हैं वाच्य अर्थ प्रतीयमान अर्थ में क्या भेद है, तो यह डिटेल में हम लोगों ने देखा था, आप लोग वहां से पुनः देख सकते हो। तो वाच्य व्यतिरेकिनो वाच्य अर्थ से अतिरिक्त व्यंग्य अर्थ के सद्भावम प्रतिपाद्य, सद्भाव का प्रतिपादन करके अब प्रकृतम उपयोजन आह प्रकृत में उसका उपयोग करते हुए कहते हैं। अब सद्भाव बेटा यह जो शब्द है सद्भाव, इसका यहाँ पे दो अर्थ लिए जा सकते हैं। सद्भाव का अर्थ है यहाँ पे एक तो सत्ता यानी अस्तित्व और प्राधान्य, दोनों अर्थ लिए जाएंगे, यानी कि वाच्य अर्थ जो व्यंग्य अर्थ है वो वाच्य अर्थ से भिन्न भी है और कैसा है, प्रधान भी है, यह सब उन्होंने प्रतिपादित कर दिया है। अब प्रकृत में यानी यह जो चीज इन्होंने इतनी मेहनत से उन्होंने जो समझाई थी और जो समय से हम लोग देख रहे हैं उसका क्या उपयोग है, प्रकट में उपयोग दिखाते हुए अब आचार्य आनंद कहते हैं यह बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका है, यह इसमें ध्वनि का लक्षण बताया गया है। ध्वनि किसे कहते हैं, वह लक्षण इसमें बतलाया गया है, तो अत्यंत महत्वपूर्ण कारिका है, इसको ध्यान से देखेंगे। व्याख्या के रूप में भी या कोई भी आपसे कोई ध्वन्यालोक जब भी प्रसंग चलता है कि ध्वन्यालोक में ध्वनि किसे कहेंगे, तो ध्वनि की इसमें परिभाषा दी गई है। क्या कहते हैं, यत्र अर्थः शब्दों वा तमटमुपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंतः काव्य विशेषः स्वध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। यत्र अर्थः शब्दों वा, जहां अर्थ माने अर्थ, शब्दों माने शब्द, वा माने अथवा, जहां अर्थ अथवा शब्द यानी दोनों की बात कह रहे हैं, जहां अर्थ और शब्द क्या करते हैं, तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थौ यानी स्वार्थौ माने अपने को, स्व माने अपने को और अर्थ क्या करेगा, अपने अर्थ को, अर्थ तो अपने अर्थ को गौण बनाता है और शब्द अपने अर्थ को गौण बनाता है। यत्र अर्थः, जहां पर अर्थ और शब्द क्या करते हैं, अर्थ अपने को, स्व माने अपने को और शब्द अर्थौ, और शब्द क्या करता है, अपने अर्थ को, शब्द से जो एक अर्थ होता है वो शब्द अपने अर्थ को गौण बना देता है और अर्थ अपने अर्थ को क्या करते हैं, उपसर्जनीकृत, उपसर्जनीकृत माने गौण बना देते हैं, गुणीभूत बना देते हैं, जहां पर अर्थ अपने को और शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके तम अर्थम, तम मतलब दिख रहा है, तम अर्थम यानी उस अर्थ को, किस अर्थ को, उस प्रतीयमान अर्थ को व्यंग्यतः माने अभिव्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं वह काव्य विशेषा, उस काव्य विशेष को सूर भी माने विद्वान लोगों के द्वारा ध्वनि रीति, ध्वनि है इस प्रकार से कथिता माने कहा गया, जिस काव्य विशेष में
शब्द अपने अर्थ को गौण बना देता है और अर्थ अपने अर्थ को गौण बना देता है, उसको विद्वानों ने ध्वनि कहा है। समझ में आ गया? शब्द क्या करेगा बेटा, अपने अर्थ को गौण बना देगा और अर्थ अपने अर्थ को गौण बना देगा। यही तो हमने देखा था कि वो गौण बन जाता है और व्यंग्य को, जो काव्य में विशेष प्रतीयमान अर्थ है तम अर्थम, उस प्रतीयमान अर्थ को, उस व्यंग्य विशेष को वो अभिव्यक्त करते हैं, उसे विद्वान व्यक्तियों ने ध्वनि कहा है। और हम लोगों ने ये देखा बेटा, अभी हम स्पष्ट करेंगे एक एक को देखते हुए। इसका प्रतिभाग और देख लो, यत्र अर्थो, यत्र अर्थ, अर्थ माने वाच्य विशेषण, अर्थ माने वाच्य होता है, वाचक विशेषण यानी शब्द, जहां पर वाच्य विशेष अथवा वाचक विशेष जो शब्द है, तम अर्थम उस अर्थ को यानी उस प्रतिमान अर्थ को व्यंगता माने अभिव्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, सकाव्य विशेषो ध्वनि रीति, वह काव्य विशेष क्या कहलाता है, वह विशेष काव्य ध्वनि कहलाता है। ठीक है, आप यहां पर देखो बेटा, उपसर्जनीकृत स्वार्थ क्या करते हैं, उपसर्जनीकृत स्वार्थ क्यों का, जहां अपने को गौण बना देते हैं। कौन गौण बनाता है, ध्यान रखना, शब्द अपने अर्थ को गौण बनाता है और अर्थ अपने शब्द को गौण बनाता है, सॉरी शब्द अपने अर्थ को गौण बनाता है और अर्थ अपने अर्थ को गौण बना देता है यहाँ पर। और यह चीज हमने देखी भी थी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें वाच्य अर्थ जो होता है वो तो गौण रहता है, और किस अर्थ को व्यक्त करते हैं, व्यंग्य अर्थ को व्यक्त करते हैं। और यही बात हमने क्या देखी थी, यानी कि जब हम काव्य प्रकाश पढ़ रहे थे, काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में जब हम ध्वनि काव्य का लक्षण देख रहे थे, तब याद आ रहा होगा तुम्हें, इदमुत्तममति शायनी व्यंग्य वाच्य ध्वनिर बुधै कथितः। ध्वनि काव्य किसे कहा था, जहां वाच्य से बढ़कर के व्यंग्य चमत्कारी हो, यानी क्या करेगा, वाच्य अपने को गौण बना देगा, शब्द अपने अर्थ को गौण बनाएगा और अर्थ अपने अर्थ को गौण बना देगा, उसको क्या कहते हैं, ध्वनि काव्य कहा था। वहां पे वही यहाँ पे बात कह रहे हैं, यानी जिस काव्य में वाच्य अर्थ की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ अधिक चमत्कारी हो, जहाँ पर यानी दोनों अपने को गौण बना करके उस व्यंग्य अर्थ को, उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करें, उसे हम विद्वान व्यक्तियों ने उसे ध्वनि कहा है। ठीक है, तो यह बात समझ में आ गई होगी। अब ये देखो, तो व्यंग्य अर्थ जब यहाँ पे कह रहे हैं कि शब्द शब्द होता है अर्थ हुआ, दोनों बात कह रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेटा जो वाच शब्द है ना, ये किसके लिए कहा गया है, वाच शब्द यहाँ पे प्राधान्य अभिप्रायण से कहा गया है, यानी कि प्राधान्य होता है किसका, कहीं कभी पे, कहीं पे शब्द अपने को जब गौण बनाता है, अपने अर्थ को गौण बना रहा है जब शब्द, तो शब्द का प्राधान्य होता है। यानी जैसे याद आ रहा होगा, हम लोगों ने दो विवेकार की व्यंजना देखी थी, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, यानी जिसमें शब्द अपने अर्थ को गौण बना करके अभी प्रतीयमान अर्थ को व्यक्त करता है, वो शाब्दी व्यंजना थी, तो उसमें शब्द अपने गौण बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चीज एक आपको ये भी पता होगा कि शब्द और अर्थ दोनों साथ साथ रहते हैं, उनमें से हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। जब शब्द है तो उसके साथ अर्थ है और अर्थ के साथ में शब्द जुड़ा हुआ है। यही बात हमें आगे एक पद है उसमें भी हमें अभिव्यक्त होती है, उसमें भी हमें वही हमारी जिज्ञासा की हमारा संबंध उसी से होगा। कैसे, अब देखो यहाँ पे जब एक चीज, और यदि मान लो कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि कोई कहे कि यत्र अर्था शब्दो वा, वा माने अथवा, इन्होंने अथवा का प्रयोग किया है, यदि इस अर्थ से लेते हैं तो, यानी कहीं पर शब्द अपने अर्थ को गौण बनाएगा, कहीं पर अर्थ अपने अर्थ को गौण बनाएगा, तो फिर यानी किसकी बात है, एक की बात हो रही है, तो फिर व्यंगतः इन्होंने द्विवचन का प्रयोग क्यों किया, विनक्ति शब्द का प्रयोग करना चाहिए था ना एक वचन का, जब एक की बात हो रही है तो व्यंगतः क्यों प्रयोग किया। तो बेटा यहाँ पे जो है व्यंगतः जो शब्द है, ये यहाँ पे जो ये आपत्ति आती है, तो शब्द या अर्थ इन दोनों में से कोई एक ही व्यंग्य अर्थ का व्यंजक है, ऐसा हो रहा है, लेकिन यह हमें किससे प्रकट हो रहा है, वापस से प्रकट हो रहा है, तो ये यहाँ पे द्विवचन नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो एक वचन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फिर भी द्विवचन का प्रयोग किया गया, वो इस अभिप्राय से ही है, क्योंकि जो शब्द होता है उसके साथ में अर्थ होता है और जो अर्थ होता है उसके साथ में शब्द भी जुड़ा रहता है। देखा था ना हम लोगों ने क्या कैसे साहित्य दर्पण में, या सॉरी आचार्य मम्मट का जब हम काव्य प्रकाश पढ़ रहे थे, तो हमने तृतीय उल्लास में देखा था, शब्द प्रमाण वेद्यो अर्थो विनक्ति अर्थांतरम यतः अर्थस्य व्यंजकत्वे तत्शब्दस्य सहकारिता। यानी जब अर्थ व्यंजक होता है तो शब्द उसके साथ होता है, और जब शब्द व्यंजक होता है तो अर्थ उसके साथ में होता है, दोनों को हम अलग
नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं कि दोनों मिलकर ही उस प्रतीयमान अर्थ को, उस विशेष अर्थ को, उस व्यंग्य अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, दोनों मिलकर के होते हैं। बस प्राधान्य होता है किसी का, या तो कभी शब्द प्रधान होगा तो शाब्दी व्यंजना, और जब अर्थ प्रधान होगा तो आर्थी व्यंजना। यानी कि जब शब्द से व्यंग्य अर्थ लिया जाएगा तो वहां पर शब्द की प्रधानता होगी, अर्थ वहां पे गौण हो जाएगा, ठीक है। और जब अर्थ की प्रधानता होगी तो वहां पे शब्द गौण हो जाएगा, और व्यंग्य जब अभिव्यक्त होता है तो उसमें तो क्या होता है बेटा, वाचक और वाच्य दोनों ही गौण रहते हैं। शब्द अपने अर्थ को गौण बना लेता है और अर्थ अपने अर्थ को गौण बना लेता है। यह हम पहले भी, क्योंकि हम काव्य प्रकाश पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि ध्वनि काव्य वही होता है जब वाच्य अपने को गौण बना लेता है। वाच्य से चमत्कारजनक कौन होता है, व्यंग्य होता है। और यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं गुणीभूत व्यंग्य काव्य में, जब वाच्य और व्यंग्य बराबर हो जाते तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य हो जाता था, यानी और जब वाच्य बढ़कर हो जाता था, व्यंग्य कम हो जाता था, तो गुणीभूत व्यंग्य काव्य हो जाता था। तो हमेशा याद रखना है ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि काव्य क्या है, जब वाच्य से बढ़कर के व्यंग्य हो। और यहाँ पे उसकी परिभाषा तो स्पष्ट करते हुए आचार्य अनुवर्धन ने कहा है, जहाँ शब्द अपने अर्थ को गौण बनाए और अर्थ अपने अर्थ को गौण बना ले, उस काव्य विशेष को विद्वानों ने ध्वनि काव्य कहा है। ये समझ में आ गया ना? तो ध्वनि का लक्षण है, अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बेटा मतलब ढंग से याद रखना कि हमें इसमें, ये विशेष रूप से इसकी व्याख्या के लिए भी है चाहे, और ये हमें ध्वनि किसे कहते हैं, अभी तक हमारे मन में जिज्ञासा थी क्योंकि अभी तक उन्होंने लक्षण नहीं दिया था ध्वनि का। अभी तक यही बात चल रही थी कि ध्वनि विरोधी मत उठे हैं, शंकाएं उठ रही हैं, वाच्य अर्थ क्या है, प्रतीयमान अर्थ क्या है, दोनों में भेद क्या है, दोनों में क्या प्रधान है, लेकिन अभी तक ध्वनि का लक्षण नहीं आया था। जबकि सर्वप्रथम उन्होंने की पहली कारिका में कहा था काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, काव्य की आत्मा ध्वनि है, लेकिन ध्वनि है क्या, यह अभी तक उन्होंने नहीं बताया। अब यहाँ पे उन्होंने ध्वनि का बताया है, तो जहाँ पर शब्द अपने अर्थ को और अर्थ अपने शब्द को गौण बनाए वहां ध्वनि काव्य होता है। यही बात हम लोगों ने देखी थी, ये सारी चीज हम लोग देख चुके हैं। एक चीज और आगे देखो, अब इसके अनेन वाच्य वाचक चारुत्व हेतुभ्य उपमादिभ्यो अनुप्राशादिभ्यश्च विभक्त एव ध्वनिर विषयः इति दर्शितम्। अनेन माने इसके द्वारा, यह भी जो इन्होंने प्रतिपादित किया इसके द्वारा क्या कर दिया है, साथ में ही वाच्य वाचक, वाच्य वाचक चारुत्व हेतु, वाच्य और वाचक के चारुत्व के हेतु जो है, वाच्य के चारुत्व के हेतु क्या है, वाच्य क्या होता है अर्थ, वाचक क्या शब्द, और उनके चारुत्व के हेतु कौन है, उपमा आदि और अनुप्रास आदि, यानी शब्दालंकार और अर्थालंकार, अर्थालंकार उपमा आदि, शब्दालंकार अनुप्रास आदि, उनसे विभक्त एवं ध्वनि विषय इति दर्शितम्। उनसे भिन्न ही है ध्वनि का विषय, ध्वनि उनसे भिन्न ही है। तो एक प्रकार से जैसे यदि शंका हो ना कि अलंकार ध्वनि से विषय भेद है इनका, तो यहाँ पे भी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो ध्वनि है वो शब्दालंकार और अर्थालंकार उनसे भी भिन्न ही है, क्योंकि वो ये जो अनुप्रास आदि है, उपमा आदि है, किसके सौंदर्य के वर्धक है, वाच्य और वाचक के। और जबकि ये बता चुके हैं कि जो ध्वनि है वो ना तो वाच्य है ना वाचक है, उनसे भिन्न ही है। जब वो दोनों अपने को गौण बना करके किसी अर्थ विशेष को व्यक्त करते हैं उसे ध्वनि कहा है। यहाँ पे यह भी स्पष्ट हो गया है कि वाच्य और वाचक के जो चारुत्व हेतु उपमा आदि है और अनुप्रास आदि, उनसे भिन्न ही ध्वनि का विषय है, ठीक है। यह बात यहाँ पे हमें स्पष्ट हो गई है। अब इसके आगे वो बताएंगे पृथ्वी प्रस्थान अतिक्रमिणो मार्ग से काव्यत्व हानि। तो इसके लिए बेटा हमें याद आ रहा होगा ध्वनि विरोधी जब हम मत पढ़ रहे थे उसमें अभाववादियों ने जो मत दिए थे तीन विकल्प प्रस्तुत किए थे। अभाववादियों के तीन विकल्प थे। अभाववादी क्या मानते हैं, ध्वनि नहीं है, ध्वनि का अभाव है। उन्होंने तीन विकल्प दिए थे कि उनका अनुप्रास आदि अलंकार आदि उन्हीं में अंतर्भाव हो जाए, और फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ कहा था कि प्रसिद्ध प्रस्थान के अतिरिक्त हम कोई अलग प्रस्थान मानेंगे तो हमारा उससे क्या होगा, काव्यत्व में हानि आएगी। इस तरीके के जो तीन विकल्प दिए थे तो एक बार पुनः उनको रिवाइज करना कि तीन विकल्प कौन से थे, और उन तीन विकल्पों का यहाँ पे उत्तर आ रहा है, क्या विकल्प उन्होंने उपस्थापित किए थे और क्या उन विकल्पों का वो यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं, अब हमें समझ में आएगा। तो जब भी हम अभाववादी का मत देखेंगे तो हम ये भी, अभी तक तो हम मैंने सिर्फ तुम्हें वो विकल्प बताए थे, उत्तर अब दे रहे हैं, ताकि जैसा जो सीक्वेंस चल रहा है हम उसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन अब हमें समझ में आएगा कि आचार्य आनंद वर्धन ने अपनी प्रज्ञा से किस प्रकार से अभाववादियों के विकल्प स्थापित किए थे और अब किस प्रकार से उनका समन कर रहे हैं, किस प्रकार से उनका खंडन कर रहे हैं। तो अब ये हम
अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है।